अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर में फिर भेजा ड्रोन, निशाने पर अमरनाथ यात्रा। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री जमीर अहमद के ठिकानों पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने की छापेमारी। मुंबई के लिए अगले चार दिन बेहद भारी, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट किया जारी। अमेरिका के शिकागो में फ्रीडम डे परेड में फायरिंग, 6 लोगों की हुई मौके पर ही मौत, 24 लोग घायल। खराब मौसम के चलते रोकी गई अमरनाथ यात्रा, 65,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। रूस यूक्रेन में जंग का 131वां दिन, रूसी हमले के बीच जेलेंस्की ने किया पुनर्निर्माण योजना का ऐलान। पिछले 14 दिनों से हर रोज आ रही है 10,000 से ज्यादा मामले, देश में 1,00,000 के ऊपर है कोरोना के एक्टिव केस। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का लगाया आरोप।